हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं समता और आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग चैनल समता व्लॉग्स। कल कुछ काम था यार, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाई। आप लोग जो बिगिनर आर्टिस्ट हो या फिर बाद में आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर ड्रॉइंग बनाने में कुछ प्रॉब्लम होती है, आज मैं आप सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है। मैं आज अंतर्यामी की तरह आप सभी के प्रॉब्लम्स पता करने वाली हूँ और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी देने वाली हूँ। एक्चुअली यार अंतर्यामी नहीं, मैं भी उस स्टेज से गुजरी हूँ ना, बट मतलब अभी भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ यार, मुझे अभी बहुत सीखना बाकी है। तो फिलहाल अब तक मैंने जितने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर पाया, मैं खुद गलतियाँ करती थी, उससे मैंने जो जो सीखे हैं और कैसे मैंने इम्प्रूव किया है, वो सब मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज बस देखने के लिए। देखो यार, पहला टिप तो वही है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर दिन में एक घंटा भी टाइम मिले ना, तो आप उस टाइम में प्रैक्टिस करो। डेली आप अगर एक घंटा ड्राइंग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी ड्राइंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपना यूट्यूब चैनल 12th के बाद स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं ड्राइंग बनाती थी, बट हफ्ते में एक बार या फिर एक बार भी नहीं बना पाती थी। मतलब महीने में दो या फिर तीन बार ही मैं ड्राइंग बनाती थी। आप लोगों को तो मैंने पहले वाले ड्राइंग्स दिखाए भी है, उतना भी खास नहीं है। मुझे उस टाइम ज्यादा कुछ पता भी नहीं था कलर्स के बारे में, आउटलाइंस के बारे में। मतलब गलती हो गई तो ऐसे ही बना लिया, छोड़ो क्या करना है। लेकिन मैं जब यूट्यूब पर आई और मुझे आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड करना पड़ा, मतलब अभी भी कर रही हूँ, मतलब रोज यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बनाती रही, रोज दो तीन ड्राइंग बनाती रही और ड्राइंग में बहुत इंप्रूवमेंट आई। बहुत सारी गलतियां हुई मुझसे और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी और नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश, और धीरे धीरे मेरी ड्राइंग बेटर हुई है पहले से। तो आप लोग भी रोज प्रैक्टिस करना है ऐसे ही। मतलब रोज आप लोग तो सुबह से रात तक नहीं कर पाओगे, लेकिन दिन में एक या फिर दो घंटा भी हो ना, उस टाइम पर आप प्रैक्टिस करना। आप अगर रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, आप दो या फिर तीन मंथ के अंदर ही अपने इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। तो यार ये काम जरूर करना और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। कोई भी ट्रिक फॉलो कर लो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सेकंड जो बात है कि आपको जो चीज बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो ये मैं भी करती थी पहले, आई थिंक आप में से भी कुछ लोग करते होंगे कि हमें जो चीज बनाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे ना पहले लिप्स और टीथ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती, तो मैं क्या करती थी, हमेशा मैं ऐसी ड्रॉइंग ढूंढती थी जहाँ पे टीथ ना हो, मतलब टीथ ना दिखे, ऐसे नॉर्मल लिप्स दिख जाए, ऐसी ड्रॉइंग ढूंढती। टीथ में बनाई नहीं पाती थी, मतलब मैं ऐसे टीथ ड्रॉ करती थी कि उसकी वजह से पूरा ड्रॉइंग बिगाड़ हो जाता था। अच्छा आईज बना लिया, अच्छा नोज बना लिया, बट टीथ की वजह से ड्रॉइंग बिगाड़ हो जाता था। होठ भी ठीक से बना नहीं पाती थी, बट होठ तो बनाना पड़ेगा ड्रॉइंग में, तो होठ तो फिर भी बना लेती थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे सीखना पड़ेगा, ऐसे मैं अगर भागूंगी तो मैं कभी टीथ नहीं बना पाऊंगी ठीक से। तो उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, फिर अब जाकर थोड़ा सा सही हुआ है। तो आप लोगों को भी जो ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम हो, वो आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपको अगर पोर्ट्रेट बनाने में प्रॉब्लम हो, तो आप पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करो, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज जैसे मैंने कहा अभी लिप्स या फिर आईज, बट ऐसे भागो मत, क्योंकि आप अगर बनाओगे नहीं तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। तो वो चीज जरूर प्रैक्टिस करना। मतलब आपको पूरी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप अगर आईज बनाना चाहते हो तो एक पेज में बहुत सारे रेफरेंस लेकर बस आईज ड्रॉ करते जाओ, डिफरेंट टाइप के आईज, और उसको रेफरेंस इमेज के साथ मैच करके देखो, फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो गाइज अब नेक्स्ट बात सुनो, आपको ना ड्राइंग के टाइम कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अगर जल्दबाजी करोगे ना, तो आप देखोगे आप कभी 100% एफर्ट नहीं लगा पाओगे। आपने अगर एक ड्राइंग बहुत टाइम लेकर बनाया, ये नहीं बोल रहे एकदम आलसी होकर ड्राइंग बनाओ कि बाद में बना लेंगे, ऐसी बात नहीं बोल रहे, बनाओ बट बहुत ही पेशेंस के साथ बनाओ। अभी अगर बनाने का मन ना हो तो बाद में बनाओ, बट ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में ड्राइंग को खराब मत कर दो, फिर वो बेकार लगेगा। लेकिन आप उसको टाइम लेकर बनाओगे ना, तो देखना वो और भी अच्छा दिखेगा। ये मेरे साथ पर्सनली होता है यार, मैं जब कहीं जाती हूँ और सोचती हूँ अब मुझे वीडियो अपलोड करना है, रात तक जल्दी जल्दी घर आकर वीडियो अपलोड करती हूँ एक ड्राइंग बनाकर, बट वो उस टाइम अच्छा नहीं बनता क्योंकि मैंने उसको टाइम लेकर नहीं बनाया। मैं जब उसको बहुत टाइम लेकर बनाती हूँ, मतलब चिंता नहीं करती कि यूट्यूब पर अपलोड करना देर हो गई है, उस टाइम मुझे बस ये चिंता रहता है कि मुझे ये ड्राइंग अच्छे से कंप्लीट करना है। यूट्यूब पर देर से भी अपलोड करूंगी तो चल जाएगा, लेकिन मुझे ये एकदम अच्छे से बनाना है, तब वो ड्राइंग बहुत अच्छा बनता है। रुको मेरे पास अभी है, हाँ ये ड्राइंग देखो मैंने कल ही अपलोड किया है यूट्यूब पर, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने ये ना बहुत टाइम लेकर बनाया है, बहुत दिनों से बना रही थी मैं इसे, एक मंथ हो गया, बहुत डिटेल में बनाया है मैंने इसको और मैंने इसका टाइम नहीं देखा। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचा। मैंने बस सोचा मुझे ये ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत पेशेंस के साथ बनाना है, ये सोचकर ड्राइंग बनाया, और देखो ये अच्छा भी बन गया। तो यार आपको ऐसे करना है, पेशेंस के साथ बनाना है। नेक्स्ट यार आप जब बहुत टायर्ड हो, ड्राइंग बनाने का मन नहीं कर रहा है, उस टाइम ड्राइंग मत बनाओ।
कि उस टाइम आप अगर ड्राइंग बनाओगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं बनेगा, आप फुल एफर्ट नहीं दे पाओगे। तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा सो जाओ, उसके बाद उठकर ड्राइंग बनाओ, और उस टाइम जब फ्रेश माइंड होता है ना उससे आप ड्राइंग बहुत ही अच्छे से बना पाओगे। ड्राइंग बनाने के लिए आप लोगों को एक्सपेंसिव मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी है पेंसिल इरेजर नॉर्मल जो भी है आप उससे ही प्रैक्टिस कर सकते। प्रैक्टिस के लिए कोई एक्सपेंसिव चीज़ों की जरूरत थोड़ी होती है, 5 रुपए की पेंसिल ले लो, 3 रुपए का इरेजर ले लो और बैठ जाओ, क्योंकि ये भी इनफ है ड्राइंग बनाने के लिए। और कलर तो ऑयल पेस्टल ले लो या फिर वाटर कलर ले लो जो नॉर्मली बिगनर्स यूज करते। बस ये दो मेन चीज चाहिए एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए, एक पेंसिल और एक इरेजर। और नेक्स्ट बात है, आप लोग कहाँ से सीखोगे, गलती करोगे तो कैसे समझोगे? तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप मेरा आर्ट चैनल देख सकते हो, मैंने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रखे हैं। अदर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आर्टिस्ट यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं उन लोगों के चैनल पर, आप उनके वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से ड्राइंग सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और यार आज के ज़माने में ड्राइंग सीखने के लिए यूट्यूब ही काफ़ी है, और आपको बिगनर से एडवांस लेवल तक हर तरीके के ड्राइंग्स और ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो आप वो सब ज़रूर देख सकते हो, और इससे भी आप अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। और यार एक लास्ट बात, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कि एक वर्कशॉप करवाओ। तो लास्ट वर्कशॉप मैंने 1 साल पहले करवाया था, तो सोचा बहुत दिन हो गया एक वर्कशॉप करवा ही देते हैं। और मैं ये आर्ट वर्कशॉप करवाने वाली में जो है ऑयल पेस्टल के ऊपर वर्कशॉप, और मैंने इसका डिटेल वीडियो अपने आर्ट वाले चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होने का फॉर्म लिंक और बाकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहो तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑयल पेस्टल के बारे में, उससे आप कैसे रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ, आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कहाँ कहाँ पे गलती होती है वो सब बताने वाली हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। और वहाँ पे मैं आप लोगों का ड्राइंग भी रिव्यू करने वाली हूँ, लास्ट में सर्टिफिकेट भी देने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वर्कशॉप का मेन बात है कि आपको कोई एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो नॉर्मल वाला ऑयल पेस्टल है वही आप यूज कर सकते हो। आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको कलर के लिए क्या क्या चाहिए होता है मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी। लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ मैं वर्कशॉप पर, और मैं बोल सकती हूँ इस वर्कशॉप से आपके स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव करने वाले हैं। तो यार आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ, हो सके तो वर्कशॉप जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे आपके स्किल्स और भी इम्प्रूव होने वाले हैं। और फिलहाल ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, राधे राधे।